बच्चों कैसे हो तुम सभी। तो जैसे कि आपने देखा 8 घंटे की मैंने रीजनिंग की क्लास ली है और हमने मेगा लॉन्च में अनाउंसमेंट किया था कि अब हर संडे आपके लिए इस अप्रैल में कुछ न कुछ बवाल होने वाला है। तो इस संडे आपके लिए जनवरी फरवरी और मार्च का करंट अफेयर लेके आ रहे हैं आपके लिए फेवरेट नीतीश सर। तो देखिए मैं अभी सोचा कि आपको एक बार बता दूं कि क्योंकि संडे को सर जो रेगुलर करंट अफेयर 8 बजे से लेके आ रहे हैं वो न लेके 10 बजे से आएंगे आपको, और महा करंट अफेयर मतलब समझिए 3 महीने का पूरा निचोड़ रख देंगे, ठीक है ना। देखिए अभी तैयारी बहुत सारी चल रही है हमारी पूरी बैकएंड टीम में, मैं देखा था वहाँ नीतीश सर बैठे हुए थे, और अभी देखिए मैं स्टूडियो में जा ही रहा था शूट करने के लिए तब तक सर आए तो सर ने बोला कि सर बता दीजिए कि संडे को क्लास है बच्चों को, हालांकि तुम्हें तो पता ही होगा, फिर भी देखिए अभी मैं आपके लिए एक स्लॉट में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अरे सर आप यहाँ आ गए, अरे सर तैयारी करनी पड़ेगी ना अभी। सर जो थे ना अभी कंटेंट वाली टीम में सर, अभी आप वहाँ पे थे, अभी फिर से यहाँ पे आ गए। तो वहाँ टाइप हो रहा था, यहाँ पे हमको तैयार करके भेजना पड़ेगा ना। सर लग रहा है पूरा सर आप मतलब मुझे कंपटीशन देंगे इस बार। देखिए आपको कंपटीशन दे पाए या ना दे पाए, बच्चों के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी सर। ये देखिए सर डंडा रखे बच्चों को मारेंगे क्या अगर नहीं आएंगे तो ये देख लीजिए आपके लिए डंडा सोटा बोला जाता है मेरे यहाँ। तो अगर सर की आप 6 घंटे क्लास नहीं किए तो बहुत मार पड़ेगी सर। देखिए जब हम लोग मीटअप में मिलेंगे तो इसको लेके चला जाएगा। जो सेलेक्ट होके आएंगे सर तो एक चीज जान जाइए सर, मतलब लगातार कभी उधर हमारा कंटेंट की ऑफिस है, इधर स्टूडियो, अभी देखिए मैं वीडियो ही बनाने जा रहा हूं। अगर आप बच्चों को बता देंगे तो उनको लगेगा कि हम लोग भी मेहनत करते हैं। तो ये तो मतलब आपको दिखेगा मेहनत पूरा, जो क्वेश्चंस का लेवल दिखेगा ना पूरा, मतलब शॉर्टलिस्ट किए जा रहे हैं सर, सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहे सर। मैं बोला कि सर हो तो गया इतने क्वेश्चन, कह रहे नहीं सर थोड़ा और। अभी सर गए थे पता नहीं कौन नई नई किताबें सब खरीद के लाए बहुत सारी, फिर से सर इस तरीके से कर रहे हैं। तो सर ये बताइए कितना आप क्या पढ़ाएंगे, थोड़ा बच्चों को भी बता दीजिए। सर कम से कम 6 घंटे की तो है ये मैराथन क्लास, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ 6 ही घंटे चलेगी, वो आगे भी बढ़ सकती है। बच्चों के प्यार हाँ, अगर ये लोग बने रहे तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं बने रहेंगे तो नहीं पढ़ेंगे। क्या मिलेगा सर, बच्चे वैसे ही आपको इतना प्यार देते हैं। और अगर कर लेंगे तो क्या है कि इनका जनवरी से लेकर के इधर तक का सारा करंट अफेयर एक साथ क्लियर हो जाएगा, रिवीजन भी होगा और नया भी मिलेगा। अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि देखिए सबसे बड़ा कठिनाई तो हमको ये कि हम वहाँ 8 घंटे खड़े हो पाए, और खड़े होने के लिए ये खड़े रहेंगे तो आप तो खड़े हो जाएंगे, आपका वजन कम है, मेरा तो वजन ज्यादा है सर, तो मैं अपना ही वजन मुझे भारी लगने लगा। अगर ये बैठे रहे 8 घंटा तो हम खड़े हो जाएंगे, इनको बैठना पड़ेगा। अब ये बैठेंगे सर 6 घंटे की क्लास, लेकिन सर 8 घंटे का दिमाग माइंड मेकअप बना चुके हैं, और आप क्या बनाए कि नहीं कमेंट करना, और कितना एक्साइटेड है क्योंकि देखो करंट अफेयर के लिए बहुत बच्चे सर परेशान थे जनरली कि जो मेरा छूट गया वो क्या होगा, जो रिवीजन है वो कैसे होगा, वो असर 8 घंटे में इनको देखिएगा सारा सब कुछ मिल जाएगा इनको 8 घंटे में। तो देखो सर बार बार 8 घंटे बोल रहे हैं, तुम समझो 6 घंटे का अनाउंसमेंट है लेकिन सर 8 घंटे बोल रहे हैं, कि हमको लग रहा है ना कि जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो खिंच जाएगा। अच्छा सर कितना क्वेश्चन कराए, कुछ अंदाजा देंगे कि नहीं देंगे, कुछ पर्दे के पीछे राज रखना चाहते हैं, चीजें रहने दिया जाए क्योंकि सारी चीजें जान जाएंगे तो इनको लगेगा सब कुछ तो बता ही दिए हैं। और मैं देखो यही डंडा बाबा को लेके बैठा हूँ हर बच्चे के लिए, अगर तुम सो बो रहे हो लू सुस्त पुस्त लुंज पड़े हुए हो तो जग जाओ, गर्मी तुम्हें नहीं परेशान करनी चाहिए ना सर। नहीं सर, लेकिन सर पसीने में भी पढ़ाते थे आपको याद होगा तो जब टीचर मेहनत कर सकता, आप सोचिए आके सुबह से सर बैठे हुए हैं, मैं जैसे अभी नहीं आया रहा तो सर आ जाते हैं, इतना सर इस समय आपके लिए इतना ज्यादा ये मतलब अटेंटिव है कि आपको क्या बताऊं, वो दिखेगा सर कंटेंट में। कल अरे संडे को जब भी मिलेंगे, इसीलिए मेरी क्लास भी इधर भी हमने कैंसिल करवाई है, कम से कम कंटेंट अच्छा जाना चाहिए, इनको अच्छी ऐसी चीजें मिले जो आपके इनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी थोड़ा आपको कंटेंट टीम से भी मैं मिलाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम है उसके में, बहुत मेहनत हो रही है सर इनके करंट अफेयर के लिए। बैक टीम के लिए भी आप एक बार ओके लिख दीजिए क्योंकि वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं सर। एक चीज और सर, इन बैलों को ये बोलिए कि ये जो चीज वीडियो में हम लोग बताते पढ़ाते वही फोन करके पूछते हैं उनको परेशान, उसके लिए क्या 75 तो वीडियो पढ़ा हुआ है, आप उसको बार बार देखिए कुछ समझ में आ जाएगा सर। इन सबको इसी सोटा की जरूरत है आपको लग रहा है। इसी तब इसी से होगा तुम समझ लो। इसके लिए सर हम लोग देखिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आज भी ये 3 दिन का मेहनत है, आज का नहीं है, एक तो आज एक कुछ कंटेंट आज तैयार होगा, एक ही दिन में सारा नहीं तैयार हो जाएगा, तो इनको हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी 3 दिन में जितनी ताकत लगा सकते हैं लगा लेंगे। और सर को सर की पहली मैराथन क्लास है तो आपको एकदम भाई सर को सपोर्ट करना है कि आगे और सर मोटिवेट हो पाए, क्योंकि मैं लगा रहा था जब शुरू में सर का, तो सर कह रहे थे सर कहाँ बच्चे पढ़ पाएंगे,
सर जब ने देखा रीजनिंग की क्लास है क्या सर बच्चे तो बहुत पढ़ने वाले हैं, मेहनती हैं। और अगर सर बता रहे हैं आपको अगर ये लोग आठ मतलब मेरी जो क्लास है आठ घंटे छह घंटे जो भी अगर ये लोग नहीं बैठ पाए तो तीन घंटे में भी खत्म हो जाएगी, ये भी है आठ घंटे भी समझ लो तो तुम्हारे ऊपर पढ़ना है, जो बैठा वो पढ़ेगा, संडे है खाली है क्या करना है। और अब नहीं पढ़ेंगे सर, तीन महीने एग्जाम बचा है तो आपका करंट अफेयर का इतना मेजर रोल है। ये भी बता दूं सर जैसे लेखक भी है ठीक है ना, बहुत इनकी किताबें वगैरह भी आती है सर की, आपको कभी बताया जाएगा इस पर डिटेल में सर चर्चा किया जाएगा। तो सर आपके लिए कुछ बहुत अच्छी अच्छी लाइनें भी लिख के रखे हैं, आपको बहुत मोटिवेट भी करेंगे पूरे क्लास में ठीक है, कोशिश करेंगे इनकी ऊर्जा बनाए रखें ठीक है। सर बहुत अच्छे लेखक भी है, वो चीज आप देखेंगे, आप देखते हैं सुनते हैं तो आपको पता ही चलता है वो सब कहने घर पे रहेंगे ये लोग, प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। तो सर और बताइए सर क्या आपको सर कैसा लग रहा था बताइए कुछ। हम तो सर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और हमको ये लगा कितना अच्छा कंटेंट इनको दे पाए क्योंकि देखिए वीकली करंट अफेयर तो करा ही है लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ वीकली करंट अफेयर टाइप से ही चलेगा और उसमें हम सोच रहे कितना ज्यादा से ज्यादा डिटेल इनको मतलब स्टैटिक जीके को कनेक्ट कर पाए करंट अफेयर से, मेरा मेन मोटिव यही है इसीलिए एक साथ ताकि मतलब अगर ये एक चीज पढ़े तो उसके साथ ये दस चीजें पढ़े ताकि इनको ये लगे कि आठ घंटा बैठे तो इनको कुछ मिला है, ऐसा ना हो बस बैठे और चले गए। और सोचो एक चीज तुम्हें बता दूं मतलब जैसे सर उन बच्चों के लिए जो सर पहले करंट अफेयर से देख रहे मेहनत कर रहे हैं वो बच्चे मतलब हमको लगता है जेन्युइनली सर मतलब वो सेलेक्ट होंगे। कुछ बच्चे सर 100-150 बच्चे तो हमको लगता है सर जो रेगुलर क्लासेस में आते हैं हमेशा पहले से ही आ रहे हैं सर वो बच्चे, और जो अभी भी जुड़े उनको परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी समय बहुत है अपने सर। ये करंट अफेयर लाने का मतलब ही यही था क्योंकि वीकली हमने बहुत सारा पढ़ा दिया, अब हम एक साथ तीन महीने में एक साथ सब पढ़ा देंगे तो जिनका छूटा है उनका तो आगे बढ़ेगा ही, जो रिवाइज जो पढ़ लिए वो रिवाइज कर लेंगे आगे ताकि करंट अफेयर बहुत मेजर रोल निभाने वाला है। पिछली बार हम लोग ऐसे वीडियो जब मेगालॉन से पहले बनाए बच्चे बहुत पसंद किए थे तो हम सोच रहे थे आपके साथ आप टाइम ही नहीं हमको मिल रहा था कि आप इतना परेशान है सर इस समय की। ये सर हमको बनाना बहुत जरूरी है, नहीं पढ़ा ये समझिए इतना अच्छा कंटेंट हम देना चाह रहे हैं कि पता नहीं अभी लोग सोच भी पा रहे हैं कि वहां तक नहीं सोच पा रहे हैं। सर गमछा उमछा बहुत रंगीन पहने हुए इसका कुछ वैसा कोई कलर से लेन देन नहीं है, नहीं है शौक है, शौक है सर का देसी देसी सर बाबा के भक्त हैं सर, एकदम देसी आदमी है, एकदम आराम से रहते हैं ठीक है। आप उसी चीज में वही चीज सबसे बड़ी बात होती है कि आदमी कितना भी ऊपर उठ जाए अपने ग्राउंड को ना भूले, वो रहना चाहिए आपके अंदर सबके अंदर, वो चीज हम लोग डालेंगे सर। टीचर का असली मतलब यही है कि बस ज्ञान देना नहीं है, एक बच्चे को सही मतलब डायरेक्शन मोरल वैल्यूज को पकड़ाना भी सर है। किताब बहुत है मार्केट में, आप ज्ञान ले ले जीत आपकी किताब पढ़ लीजिए शिव खेड़ा की, आपको सब पता चल जाएगा जीत कैसे मिलेगी सर। यहाँ लेकिन चार्ट तो रखी होगी, वास्तव में जो आप रियल लाइफ से सीखेंगे वो ज्यादा इम्प्रेसिव होता है। जब मैं भी शुरू शुरू में बीएससी में आया था जीत आपकी होगी जीत इधर ही सर वो सब है जो नहीं आती शिव खेड़ा की और उनकी मोटिवेशनल पुअर डैड ये सब किताबें तो सब मैं खरीद के बहुत लाया था सर। हम लोग रियल लाइफ से जितना सीखे हैं ना वो इनको देंगे, वही देना है। जीत आपकी पढ़ लेंगे आपको 1% मोटिवेशन नहीं मिलेगा। और अगले अगले फोन आ रहा है, देखिए सर लगातार ही बच्चों का फोन ही आ रहा है ठीक है। तो अगले अगले क्या है कि अगले संडे को जनरल मैथ होगा ठीक है, तो सर को आप लोग पूरा सपोर्ट करिए, मैं पीछे से आपका एकदम डंडा लेके खड़ा रहूंगा, सर आगे से कलम लेके खड़े रहेंगे, दोनों लोग आपको एकदम पूरा गाइड करते रहेंगे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और कम से कम सर ये लोग कम से कम जितना मैक्सिमम लोग आ सकते हैं हम तो यही चाहेंगे, तब ना हमको लगा मेरी ताकत है। वो सर देखिए वो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो बच्चे क्या है कि आपको मतलब ऐसा आप जितना सर सोचेंगे उससे ज्यादा ही देते हैं प्यार, क्योंकि सर आप सोचिए 15 नवंबर को हमको लग रहा है पहली क्लास थी हम लोग की सर 2021 में, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च बीत गया अप्रैल आ गया, छठा महीना है सर, 6 महीना सर हम लोग फ्री क्लास दिए थे सर, याद है आपको ना गर्मी होता था एकदम आप बोलते थे पंखा भी नहीं चला सकते थे, आवाज सर कितना खरखराता था, और वो सब के बावजूद सभी मेंटर मतलब आप हम ही नहीं सब लोग मतलब हम लोग सर जितना एक्स्ट्रा करते थे बच्चे उससे ज्यादा और पढ़ते थे, नहीं प्यार बहुत देते हैं कमेंट वगैरह सर वो मतलब 6 महीना इस सेशन लाइक सब्सक्राइब कमेंट ये जो चीजें हमें चाहिए इनसे और साथ साथ पढ़ना, और उस पे हम लोग बहुत जोर भी नहीं दिए सर, कभी हम लोग बोले नहीं, जैसे कभी मान लीजिए हम लोग बोल दिए कभी कभार, ऐसा नहीं कि हमेशा बोलते थे कि सब्सक्राइब करो शेयर करो, लेकिन बच्चे में देखते थे सर जैसे खुद एहसास होगा चीजों का। अभी सर देखिए आपकी वीडियो जो होगी ना जैसे जब शेड्यूल हो जाएगी सैटरडे या फ्राइडे को शेड्यूल हो जाएगी तो आप देखिएगा आपकी वीडियो का स्टेटस खुद लगाएंगे बच्चे, वो होना भी चाहिए ना इनको कम से कम अपनी चीजें दूसरों तक पहुंचा हमारा। और एक चीज और तुम्हें मैं बता दे रहा हूँ, देखो फोन कर करके ये परेशान मत करो कि हमको नीतीश सर से बात करना, हमको आशुतोष सर से, हमको सीतेश सर से, हमको शशांक सर से,
क्योंकि देखो अब तुमसे बाबू समझो रोज रोज अगर हम लोग सर बात करने लगे अगर दस दस बच्चे से भी दो दो घंटा तो हम लोग पढ़ा नहीं पाएंगे। हमारा एनर्जी है कि सर मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिल पाए उसका, तो वो चीज का हम लोग को ध्यान है। इस चीज को आप समझिए थोड़ा सा, ठीक है। और सर एक चीज और बता दीजिए आप कि पीडीएफ वीडीएफ देंगे कि नहीं सर, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान वही रहते हैं। पीडीएफ तो मिलेगा ही सर, सर लेकिन मैं सोच रहा था ना तीन चार दिन बाद दीजिए, जैसे सर रीजनिंग का मैं अभी तक नहीं दिया। कितने लोगों का हार्ट अटैक आ जाएगा तीन चार दिन बाद पीडीएफ देंगे सर। पीडीएफ के लिए ना सर बेचैन रहते हैं सर, एक दिन आप पीडीएफ नहीं देते हैं दूसरे दिन खाली कमेंट में सर पीडीएफ नहीं मिला। पीडीएफ दे देंगे ना बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। अच्छा ये बताइए सर आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या कि जब जैसे पहले पढ़ाई करते थे तो जो बुक देखो वो खरीद लो ले के रख लो, मतलब ये तो ऐसा होता है एक्साइटमेंट होता है ना कि हो सकता है यहीं से फंस जाए, हो सकता है यहीं से पढ़ो नहीं लेकिन ले के रख लो, तो ये मूर्खता कर रहा है। ये अगर हमसे भी ये ना सीखें जो हमने गलती की वो ये ना करें, तो ज्यादा किताब खरीदने से अच्छा कहा जाता है ना कि ज्यादा किताब पढ़ने से अच्छा एक ही किताब को दस बार पढ़ो। पीडीएफ देखो इसलिए हम लोग दे देते हैं कि कोई बच्चा नोट्स बनाता है तो उसको थोड़ा सही से छूट जाता है, नहीं समझ पाया तो बाद में पीडीएफ वगैरह तो दो दिन बाद ही देंगे, ठीक है। तुम लोग पढ़ो दो दिन तक तो तुमको लाइव क्लास के ही से पढ़ना, दो तीन बार देखिए ना क्या जाता है, डाटा ही जाता है ना। ऐसा कोई काम भी तो नहीं है, कोई इंतजार भी इनका नहीं करता है, वो वीडियो कॉल में डाटा चला जाता है, इसीलिए परेशान रहते हैं सर। दिन भर बैठे सर यूट्यूब पे देखेंगे 12 बजे से लेकर के रात को 3 बजे भोर तक जो वीडियो कॉल होता है उसमें डाटा चला जाता है। आईपीएल देख रहे हैं सर आईपीएल क्रिकेट देखना बुराई नहीं है सर, हम ये कर रहे हैं। डाटा मत खत्म करिए, समय का सदुपयोग भी तो करना जरूरी है। अभी तो सर है यहाँ पे, सर आपको भी तो कोई ना कोई काम होगा ही, बहुत काम है सर, तो ये छोड़ के ये क्यों कर रहे हैं। हम आते सर ऐसे टाइप ऐसे पढ़ा देते आपके पास करंट पूरा पड़ा हुआ है सर, आपने जो वीकली पढ़ाया है वही पूरा पढ़ा देंगे क्या, वही पढ़ा देंगे क्या हो जाएगा। तो इस चीज को समझो तुम, ठीक है, कि किस तरीके से क्या बोलते हैं मतलब कंटेंट दिया जाता है डिलीवरी। जब टीचर एक मेहनत करता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, ठीक है ना। और साइंस वाले परेशान मत हो, कमेंट भर देते हो तुम लोग सर साइंस के लिए नहीं आएगा, अरे सबके लिए एक ही संडे होता है भाई, रोज तो क्लास लगती ही है, और बताओ हर दिन में 4-5 घंटे लगती है। हम ऐसा भी नहीं देना चाहते सर कि ओवर खिला दें उल्टी करने लगे, समझ रहे ना, मीटिंग होने लगे। हाँ तो धीरे धीरे खिलाएंगे, टेंशन मत लो, आदत बनाएंगे, समझ रहे हो। देखो आज मैं इतना हट्टा खट्टा हो गया हूँ, ऐसा थोड़ी ना कि एक ही दिन में सर इतना खाने लगा हूँ मैं, धीरे धीरे मैंने अपनी आदत बढ़ाई, आज देखे खा पी के मस्त मोटा हो गया हूँ। तो लेकिन आपकी तरह सुस्त और आलसी नहीं हूँ, ठीक है। आप लोग मोटे नहीं होंगे लेकिन सुस्त आलसी जरूर होंगे, ठीक है सर। ये सब बहुत आलसी इंसान है सर, क्या बताऊं, मतलब मुझे सर मिल जाना था, सब बहुत है, सब कुछ मिल रहा है, उसके बाद भी नहीं करना चाहता। इन सबको सर मिल जाना तो बहुत मारूंगा डंडे डंडे, क्योंकि तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो ना। 2.5 महीना सर आ गया हमको सर, हर यूनिवर्सिटी में हर कोर्स में सर नंबर वन रैंक का यही सब बच्चा चाहिए, और वो तुम्हारी देना है, कर लेंगे सर, बहुत आसान है इनके लिए। लेकिन ये बस लगन लगा रहे ना कि हमको करना है, बस सोच लें कि हमको करना है तो दुनिया कोई ताकत इन्हें रोक नहीं सकती। दिन रात सब कुछ छोड़ के जब हम लोग लगे तो भाई तुमको भी कुछ तो देना पड़ेगा ना। 3 महीने की मेहनत 3 साल का मजा, 3 साल का मजा सर। 3 साल अगर आप यूनिवर्सिटी बीएचयू जेएनयू डीयू में पढ़ेंगे तो आप सोचिए क्या क्या, मतलब अभी तुमको नहीं पता चल रहा होगा ये, क्योंकि सर अभी गाँव में किसी कॉलेज में बैठ रहे होंगे कहीं कुछ होंगे, तो स्कूल और यूनिवर्सिटी में बहुत अंतर होता है। जहाँ के दीक्षांत समारोह में ये पार्टिसिपेट करेंगे, बड़े बड़े अमिताभ बच्चन जैसे लोग आते हैं, नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व आता है सर, कहीं जिसे कहेंगे ना, जैसे आज के डेट में सर मैं सर मेरे साथ के मैक्सिमम बच्चे डॉक्टर है, ठीक है, एमबीबीएस कर रहे हैं सर, लेकिन सर वो किसी कॉलेज से कर रहे हैं जैसे नॉर्मल कॉलेज से, लेकिन अगर हम कहीं जाके कहते हैं ना कि हम बीएचयू से पढ़े हैं तो मतलब लोग अलग ही इज्जत देते हैं, फील आता है वो अंदर से, लोगों का इज्जत भी आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा तुरंत, मतलब इंसान का नजरिया चेंज होगा। वैल्यू रखिए बच्चों, पढ़ाई करिए। चलिए सर तो अपने तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चलिए पढ़िए पढ़िए सर पढ़िए, ठीक है ना। और फिर आपको क्या बोलते हैं, हम लोग आएंगे, मतलब हम लोग क्या सर ही आएंगे संडे को 10 बजे से, तैयार हो जाइए, फैला दीजिएगा इस बात को, नहीं तो समझ लो डंडा तैयार है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑल द बेस्ट।